दोस्तों मेरी माँ दुर्गा ज्ञान की वाणी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों टाइटैनिक का नाम जब जहन में आता है तो याद आती हैं उन हजारों मासूमों की चीखें जो उस अंधेरी ठंडी रात में समुद्र के बीच में समा गई थी। वो जिंदगियां जो इतिहास के सबसे बड़े जहाज का हिस्सा बन सफर पर निकली थी। 31 मई 1911 जब इसका उद्घाटन हुआ था उस समय टाइटैनिक को देखने के लिए 1,00,000 लोग एकत्रित हुए थे। दोस्तों इस जहाज के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं और इसके के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा और सुना भी होगा। इस पर बहुचर्चित फिल्म भी बनी है जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट ने अपने दमदार अभिनय से फिल्म में सच्चाई की जान डाल दी थी और इस फिल्म को देखकर ही उस भयानक रात के बारे में सोचकर दिल डर से भर जाता है। तब सोचिए कि वो रात असल में कितनी भयाभय रही होगी। इस फिल्म में बताया गया था कि किस तरह टाइटैनिक जहाज एक ग्लेशियर से टकराता है और डूब जाता है। असल में भी ऐसा ही हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर विख्यात टाइटैनिक को डूबे लगभग 11 दशक हो चुके हैं, यानी 108 साल पहले 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ था। लेकिन 14 अप्रैल 1912 को 11:40 पर उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर दो टुकड़ों में टूट गया था। समुद्र में इसका मलबा भी ढूंढ लिया गया था लेकिन आज तक इसके मलबे को बाहर नहीं निकाला गया, जो अपने आप में एक रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? शायद नहीं, तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्प्टन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर दो टुकड़ों में टूट गया था और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा था। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बुलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। यह जहाज जहां पर डूबा था वहां घुप अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौटकर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना नामुमकिन है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा क्योंकि वो बड़ी तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20-30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जा रही है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं बची है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।